हाय बच्चा लोग, सोहम सर अगेन विद अ धांसू फैंटास्टिक वीडियो। हाँ, क्या है आज अपने पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 8। इससे पहले 7 वीडियोस और एक वन शॉट रिवीजन, 8 वीडियोस थियरी पे डाल चुका हूँ और कुछ 13 वीडियोस सम्स पे डाल चुका हूँ। इसके बाद ये है, हाँ, इंडक्टेंस आज का डिस्कशन पॉइंट है। पहले सुन, गूगल प्ले स्टोर पे आराध्य का ऐप आ गया है, पता है? नहीं पता, जा डाउनलोड कर जल्दी, फिर आ वापस इस वीडियो पे। हाँ चल दोस्त, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को दो फिनोमिनन के थ्रू हम समझेंगे। देखो, जैसे ये एक कॉइल है, ये कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हैं जो पीछे से भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा दो भैया, लगाया, ठीक है। अब एक और कॉइल रख दो इधर, उस कॉइल में भी बहुत सारे टर्न्स हैं, इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है। ये हो गया दो कॉइल का एक सिस्टम, ठीक है। अब एक और अलग से एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये सिंगल कॉइल है, हाँ, वो खुद ही खुद की बैटरी से जुड़ा हुआ है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये पूरा एक अलग फिगर है, ये अलग फिगर है ना। इस टाइप के सिस्टम में आप जानते हो, जब इस फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो ऑब्वियसली ये कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालेगी बाहर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल के साथ लिंकेज होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आके यूं निकलेगा तो टच तो करेगा ना, हाँ ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब इस करंट में मैं वेरिएशन करूं, चेंज कर दूं, करंट में वेरिएशन करूंगा तो ऑब्वियसली इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी वेरिएशन होगा, कम ज़्यादा होगी, तो इसके साथ जो लिंकेज एसोसिएटेड फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ बनेगा। हाँ, यहाँ करंट के चेंजेस करने से इसमें ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनेगा, राइट। तो ये इसकी वजह से इसमें बना ना, हाँ, इंटरनल मामला है ना दो जनों के बीच का, तो इसको म्यूचुअली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल मामला ही है, और इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो इस फिनोमिनन को इंडक्शन बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ, दो जनों के बीच में हो रहा है। ये क्या मामला है, ये देख भाई, इसमें से भी करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली ये खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकालेगा ही, वो खुद को टच तो करेगा ही, तो ये तो खुद ही खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक हो गया है। अब इसके करंट में चेंज करूं तो ये फ्लक्स भी तो चेंज होगा, तो ये जो कॉइल है जिसके साथ ये खुद का ही फ्लक्स जुड़ा हुआ है वो खुद के ही फ्लक्स में चेंज कर रहा है करंट की वजह से, और खुद ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्रिएट करेगा, हाँ, तो इसको, लेकिन ये खुद ही खुद का सब कुछ कर रहा है ना, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिनन, यस, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन, यस। तो समझ में आया दोस्तों, इंडक्शन, इंडक्टेंस क्या है वो भी समझेगा। ये जो इंडक्शन के फिनोमिनन्स को हम आगे स्टडी करेंगे ना, तो इसमें कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलेंगे कि इंडक्शन में आने वाला कांस्टेंट इज इंडक्टेंस, ठीक है, करते हैं पहले। चल, अब इसका ओपनिंग कैसे करेंगे, कुछ पॉइंट्स तो डालने पड़ेंगे ना, तो कॉमनली दोनों के लिए क्या पॉइंट डालू, ये डाल सकता हूं कि इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल इफ करंट वेराइज इन वन कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद अनदर कॉइल ऑल्सो वेराइज, और इन द सिस्टम ऑफ वन कॉइल इफ करंट वेराइज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल ऑल्सो वेराइज, समझा, इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, इसके साथ इसके अंदर का करंट वेरी करता है तो इसके साथ का जो लिंकेज फ्लक्स है वो भी वेरी करता है, या फिर इसका करंट चेंज करो तो इसका खुद का फ्लक्स वेरी करता है, इन दोनों फिनोमिनन में ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, तो ये एक मस्त पैराग्राफ बन जाएगा लिखने को ना। चल, तो ओपनिंग इसी से लिखते हैं अपना मस्त, फिनोमिनन तो समझ में आ गया, तो चलो लिखते हैं, इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स इफ करंट इन वन कॉइल वेराइज फ्लक्स
लिंक्ड विथ अनदर कॉइल ऑल्सो वेराइज. ठीक है दोस्त, और इन अ सिंगल कॉइल करंट फ्लोइंग वेराइज, तो फ्लक्स एसोसिएटेड ऑफ इट सेल्फ ऑल्सो वेराइज विथ इट. हाँ, और इन अ सिंगल कॉइल इफ करंट वेराइज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट ऑफ इट सेल्फ, उसका खुद का ही ऑफ इट सेल्फ ऑल्सो वेराइज. इन दीज बोथ फिनोमिनन ईएमएफ इंड्यूस्ड. यस, चलो लिख दो. इन दीज बोथ फिनोमिनन ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड. ठीक है, तो इस थियरी का ओपनिंग करने के लिए बढ़िया पॉइंट है. मस्त इजी लैंग्वेज एकदम, है ना. अब क्या करना है, अब देखिए दोनों फिनोमिनन में जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है वो इस करंट पे डिपेंड करता है. सीधी बात है, सीधी बात है, ये करंट बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट डाउन हो गया तो फ्लक्स भी डाउन हो जाएगा, है ना. तो फ्लक्स एसोसिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. वेरी गुड. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन मिला ना अपने को, अब ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. अच्छा चलो, कि फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो हमको दिख रहा है प्रॉपरली. सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अच्छा, यहां पे दो कॉइल है तो मान ले एक ए है दूसरा बी है, ऐसा हो गया सीन, तो इसको नाम दे दे फ्लक्स बी, ताकि हमको पता चले कि दूसरे वाले कॉइल का फ्लक्स है और करंट पहले वाले कॉइल में फ्लो हो रहा है. करंट इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड हो रहा है ना. ठीक है, अब इफ ये जो कॉइल है इसका शेप वेरिएबल नहीं है ना, तो फिर इसका आप डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हो, है ना. हाँ, तो इफ शेप इज कॉन्स्टेंट और एरिया इज कॉन्स्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस. यस, अच्छा एक और बात, ये जो तूने फाई लिखा ना फ्लक्स, ये तो एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, लेकिन यहां तो बहुत सारे टर्न होते हैं ना कॉइल में, तो 1 2 3 पूरा गुच्छम होता है ना. हाँ, तो इनटू एन जितने टर्न से, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो. तो लिख दो, इफ नंबर ऑफ टर्न्स एन, सो टोटल फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई. यहां तक पहुंच गए भैया, बोल पूरा फिनोमिनन दिमाग में सेट हो गया कि दो कॉइल का एक सिस्टम है, उसमें फर्स्ट कॉइल के करंट में वेरिएशन करो तो दूसरे कॉइल के फ्लक्स में वेरिएशन होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, या एक ही कॉइल है उसका खुद का ही करंट में वेरिएशन कर तो खुद का ही फ्लक्स वेरी करता है, तो खुद ही ईएमएफ इंड्यूस करता है ना. हाँ, तो ये लिखा अपन ने, फिर इंट्रोडक्शन दिया कि भाई जो फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट ज्यादा आएगा तो फ्लक्स ज्यादा रहेगा, करंट कम तो फ्लक्स कम, ये सारा लिखा बेसिक. अब मेन इस वर्ड पे आते हैं, व्हाट इज इंडक्टेंस. आई टोल्ड यू ना द कांस्टेंट, मैंने बोला था बिगनिंग में कि ये दोनों फिनोमिनन इंडक्शन है, इंडक्शन के फिनोमिनन में जो कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. यस, तो चलो भैया यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आवेगा कि नहीं आवेगा. यस, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस. ओके दोस्त रुक, अभी थोड़ा नीचे बैठ के लिखना पड़ेगा. ये जो कांस्टेंट है, सबसे पहले तो ये स्केलर है, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल गया, ये स्केलर है. देख ले कहीं वेक्टर मामला ही नहीं बन रहा है ना. हाँ, ये स्केलर है, एक ये हो गया. दूजा, ये इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है,
तो इसकी डिपेंडेंसी मेनली दो चीज़ों पे होती है, कौन कौन सी? एक तो शेप, कॉइल का शेप कैसा है उस पर, और दूजा कॉइल किस मटेरियल का है, उस मटेरियल के इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उन पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, एक और इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, इसका यूनिट। हाँ, इसका यूनिट क्या होगा भैया? यूनिट, तो इसका यूनिट मुझे तो दिख रहा है, ये इधर फ्लक्स है, फिर करंट नीचे जाएगा तो एम्पियर, और ऊपर फ्लक्स है तो वेबर ना, तो बेसिक तो यही यूनिट समझ में आ रहा है मुझे, तो वेबर अपॉन एम्पियर। फिर एक और यूनिट ले सकते हैं, हेनरी, HENRY, कहाँ से आया? अब सोच, जोसेफ हेनरी USA, माइकल फेराडे फ्रॉम इंग्लैंड, दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे ना इंडक्शंस पे। हाँ, लेकिन दोनों के एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट थे। वही हेनरी जो पहले लेक्चर में बताए थे, जोसेफ हेनरी फ्रॉम USA, हाँ, उनके ऑनर में ये यूनिट दिया गया, हेनरी। ठीक है, और यूनिट अगली थियरी में आ रहा है, टेंशन मत ले। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बस यार अब इतने बड़े बच्चों को डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाने में ना शर्म आती है। 12 - 22 मार ले रट्टा, और क्या है, या खुद बना सकता है तो बना, वेबर का, एम्पियर का, सबका आ गया, MLT सिखाया गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये कैपेसिटर जैसी है। कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है ना, शेप पे डिपेंड करता है, और क्या मटेरियल बीच में लिया गया है दो प्लेटों के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इट इज सिमिलर टू कैपेसिटर ऑल्सो। बस, तो ये तेरा इंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन तेरी लाइफ में आ गया, मतलब समझ, इंडक्टेंस तेरी लाइफ में घुस गया है। अब आज के लेक्चर में इंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी देख ले। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इस पर पूरा 2-3 क्वेश्चन लूंगा, फिर सेल्फ इंडक्शन पे 1-2 क्वेश्चन लूंगा, फिर मामला खत्म। तो वीडियो लंबा जाने वाला, लेकिन पूरा पढ़ा के फिनिश करूंगा, 2-3 टुकड़े में वीडियो नहीं दूंगा इसके, Part 1, 2, 3 ऐसा कुछ नहीं, एक ही फुल पार्ट आएगा, चाहे 1 घंटे का वीडियो बने, लेकिन इतना है। तो ये पढ़ लिया लेक्चर मेरा, तो NCERT बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड तुझे कोई क्वेरी नहीं रहेगी, सारा इसमें कवर हो जाएगा। और मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस भी पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं। जैसे यहीं पे देख, कितने तेरे VSQ बन रहे हैं छोटे छोटे, बढ़िया बढ़िया। एक तो स्केलर है, ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसका यूनिट ऐसा होता है, इसका MLT ऐसा है, कितना दे दिया तेरे को। तो फिर चलो एक धांसू स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अब हम 2-3 क्वेश्चन इस म्यूचुअल पे देखेंगे, है ना, चला जा। हो गया स्क्रीनशॉट, तब तक मेरा भी काम हो गया, बोर्ड क्लीन हो गया, चला जा। अब इसको कॉइल को नाम देते हैं C1, और इसको नाम देते हैं C2। क्वेश्चन चेंज करके क्या कर देते हैं, 9, और ये कौन सा इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, पक्का? चल ठीक है, आ जा। ओपनिंग कैसे करेगा, वो तो तेरे को आता ही हो ना, इतना बड़ा बच्चा हो गया है, कि इन फिगर आलिया भट्ट इमेज इज शॉन, नहीं रे, नहीं। चलो, फिगर में क्या दिखा है वो जाने दे, सीधा लिख कि एज शॉन इन फिगर इफ करंट इन C1 कॉइल वेराइज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ C2 कॉइल ऑल्सो वेराइज एन EMF इंड्यूस्ड, डायरेक्ट लिख दे। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू फिगर वेन करंट इन C1 कॉइल वेराइज फ्लक्स लिंक्ड विथ C2 कॉइल ऑल्सो वेराइज एंड EMF इंड्यूस्ड। अब एक मस्त यहां पे ऐसे बोल दे, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, हो गया इंट्रोडक्शन का ड्राइंग और पॉइंट दे दिया। अब अपना ऑब्जर्वेशन चालू करें, क्या हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कि इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक मिनट, इस करंट को नाम दे देते हैं इस बार I1। रुक,
इस करंट को नाम दे देते हैं आई वन, और इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स एक टर्न के साथ है ना फाई टू है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स एन टू भी बोल दे। हाँ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन वन होंगे यार, तो फिर ठीक है। तो पहले तो ये लिख दे कि करंट फ्लोइंग इन सी वन इज आई वन एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सी टू इज एन टू फाई टू, इतना डायरेक्ट लिख दे। यस हियर करंट फ्लोइंग इन सी वन इज आई वन एंड फ्लक्स लिंक्ड विथ सी टू इज एन टू फाई टू, एंड एज वी नो हम जानते हैं क्या कि ये जो फ्लक्स लिंक्ड विथ सी टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन सी वन, एज वी नो एन टू फाई टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द आई वन, हो गया। अब ये प्रपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा, हाँ तो आएगा ना कांस्टेंट, यस कांस्टेंट नहीं भाई कांस्टेंट आएगा। हाँ उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो क्या बोलेंगे एम एम बोलेंगे, क्या बोलेंगे एम, हो गया ना मस्त एक फॉर्मूला। चल इसको कवर अप कर। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी तो ई एम एफ भी आ जाएगा। चलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी ऑफ दिस एंड डी बाई डी टी ऑफ दिस ऑल्सो, ये क्या होता है जानते हैं ना फेराडे लॉ, ई एम एफ लेकिन माइनस आता है। हाँ ये एम आ गया बाहर, ये हो गया डी आई वन बाई डी टी, माइनस को प्रेम से प्यार से मोहब्बत से इधर डाल दे। हाँ इसको भी कवर करो भाई, कवर करो कवर करो। हाँ हाँ इक्वेशन नंबर टू। अब आगे कुछ पढ़ाऊँ उससे पहले तुझे अभी बता देता हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फॉर्मूला देख के तो समझ में आ रहा है ना कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली चीज़ पे। तो यहीं से पहले इसका डिपेंडेंसी पे दो पॉइंट दे दो, बढ़िया वाले। यस फिर यूनिट यूनिट सब डिस्कस करते हैं। पहला क्या पॉइंट देंगे कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, किन चीजों पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ भाई ये तो लिखना भूल गए यहाँ पे, ये क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि पूरा फिनोमिनन क्या है इंडक्शन और उसके अंदर आने वाला कांस्टेंट है इंडक्टेंस। ओके और ये इसको क्या लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इन दो चीजों पे ईएमएफ डिपेंड करता है। अब हमने दो जगह देखी जहां पे एम आ रहा है, एक यहां पर भी आ रहा है और एक यहां पर भी आ रहा है, तो इन दोनों जगह पे जो एम दिख रहा है ना उसको समझ के इसका दो दो टाइप का डेफिनेशन बनाते हैं, एम का एम के लिए दो डेफिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा बोर्ड पे जगह बनाना पड़ेगा, रुक बनाता हूं। ओके मेरा हो गया बोर्ड रेडी, चल मस्त जगह बन गया, अब दो डेफिनेशन देना है ना, तो चल डेफिनेशन वायर थोड़ा खींचना पड़े बस, ओके ओके कंफर्टेबल। डेफिनेशन वन, पहला डेफिनेशन यहीं से बनेगा, ये आई को नीचे ले जा। हाँ तो देखो चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स के नीचे ले जा करंट को एन टू फाइ टू अपॉन आई वन। यस बनाओ डेफिनेशन क्या है ये दो कॉइल है उसमें से एक का करंट पर यूनिट है नीचे है और दूजे के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है ना। हाँ तो इसको प्रॉपर उस ओके बोलो दरवाजा खटखटाए नहीं बार बार ये लोग। चलो यहां से डेफिनेशन बना देख, द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल का सिस्टम है, वन ऑफ द कॉइल्स दोनों में से किसी एक कॉइल में लिंक्ड फ्लक्स इज इक्वल टू द
यूनिट करंट फ्लोइंग इन द अदर कॉइल, है ना। सिंपल है डेफिनेशन, चल बनाते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन ऑफ द कॉइल्स ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल का जो सिस्टम है उसमें से एक कॉइल की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द कॉइल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स पर यूनिट करंट इन अदर कॉइल। कैमरा में थोड़ा टर्न करना है, ये कवर होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। हो गया खत्म डेफिनेशन, आया समझ में। चलिए एक और यहां से बनाते हैं, और डेफिनेशन नंबर टू। वीडियो लंबे हो जाते हैं स्लो पढ़ाने में। चल इसको अब नीचे डालते हैं। तो इंडक्टेंस इज ई अपॉन, अच्छा यहां पे एक गौर नहीं किया तू दोस्त, क्या कि जो ईएमएफ है ना, फ्लक्स सेकंड लूप के साथ एसोसिएटेड हो रहा था, तो ईएमएफ भी सेकंड लूप में ही जनरेट हुआ होगा। तो टू, तो टू यस। चलो डेफिनेशन बना दे इसका। म्यूचुअल ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट इन वन कॉइल। म्यूचुअल ईएमएफ जनरेटेड इन वन ऑफ द कॉइल्स, दो में से एक कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है ड्यू टू, ये रहा ना, इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर कॉइल। हाँ यस यस, चल आ गया डेफिनेशन। ईएमएफ जनरेटेड इन वन ऑफ द कॉइल्स, फिर नीचे का लिख दे, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर कॉइल, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अदर कॉइल इज डिंग 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 कॉल्ड। हो गया डेफिनेशन। अब कैमरामैन थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा, आप कैमरा नीचे का भी कवर करना। यस, अब यहां पे थोड़ा सा यूनिट आपको देखना पड़ेगा इसका। तो ये वाली जगह में अपन यूनिट सेट कर देते हैं। एम के लिए दो चीजें डिस्कस करेंगे अभी, एक तो उसका यूनिट और वो डिपेंड्स कौन कौन सी चीजों पे करता है, क्या सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, दो चीजें डिस्कस करेंगे। कैमरा में यहां तक कवर होना चाहिए, है ना। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट यहां से तो बन ही रहा था, इसको नीचे ले ले, देख वो तो पता ही है, हेनरी तो अपने को हेनरी तो है ही है। ओ फ्लक्स अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर भी है। एक नया देता हूं तेरे को यहां से देख, हाँ ये होगा वोल्ट और ये नीचे जाएगा तो एम्पियर अपॉन सेकंड, वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन सेकंड। चल ये हो जाएगा वास, बीच में इनवर्स, ऐसे रटते रहे बच्चे, वास बीच में इनवर्स, वास बीच में इनवर्स, याद रह गया। अरे वीडियो पॉज करके दो बार रट ले, इसको काम आएगा, ये डेंजरस यूनिट है, वास बीच में इनवर्स, ठीक है। एमएलटी तो पता ही है, 12 माइनस 22, ठीक। अब ये डिपेंड किन चीजों पे करता है, तो इसकी डिपेंडेंसी टोटल 6 डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे है। कौन कौन सी 6 सिचुएशंस बताता हूँ, देख। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने कॉइल में, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, और फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा। हाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, फिर कॉइल का शेप कैसा है उस पर डिपेंड करता है, फिर कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरह से उनको अरेंज किया गया, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, फिर जो मटेरियल लिया गया उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जो बीच में मीडियम डालते हैं ना कुछ भी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, फिर उनके बीच दो कॉइल के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ और अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है, कैसे अरेंजमेंट किया गया है, अरेंजमेंट भाई इंपॉर्टेंट है। तो तूने दो कॉइल है, दोनों को एक ही एक्सिस पे रखना है,
तो इसका मैक्सिमम फ्लक्स इसको टच करेगा। मान ले इसको थोड़ा टेढ़ा रख दिया तो बहुत सारा फ्लक्स तो यहाँ से निकल लेगा, इसको टच ही नहीं करेगा तो लॉस ऑफ फ्लक्स होगा ना। हाँ, तो अरेंजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दीज आर सिक्स टर्म्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। ओके, अभी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली इसको दो टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का ईएमएफ लाओ, तो इतना और यहां तक आ जाना। या एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसकी दोनों डेफिनेशन दो और यूनिट और डिपेंडेंसी बताओ। तो यहां से स्टार्ट करना, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना, ये फॉर्मूला लिख के, डेफिनेशन वन, डेफिनेशन टू, यूनिट एंड डिपेंडेंसी। या हो सकता है टू मार्क्स में सिर्फ डिपेंड किस पे वो ही पूछे, तो ये डिपेंडेंसी लिख देना, है ना। अब तेरी समझ में, मैंने पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस खोल के रख दिया है, इसमें से एग्जाम में कितना क्या पूछते हैं वो अपनी समझ से इतना आंसर तू लिखना। चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मस्त बढ़िया ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, पोज हो गया। हाँ चल, ओके हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। चल नया क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू वेरी लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स। जैसे भी अपन ने दो कॉइल का मामला देखा ना, C1 C2, कॉइल को थोड़ा और लंबा कर देते हैं, लॉन्ग तो सोलेनोइड बन जाएगा ना। दो सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का मामला देखते हैं, और सोलेनोइड कैसे रखना है, को एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे दोनों, मतलब एक छोटा सोलेनोइड फिर उसके ऊपर एक बड़ा सोलेनोइड। हाँ चल, ड्राइंग देख भी, जैसी मेरी शक्ल है वैसा ही मेरा ड्राइंग आएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो इरशाद बोल देना। चल देख, ये एक सोलेनोइड, अरे बाप रे, तो ज़्यादा जगह ले लिया, ठीक है, तो होता है ना। अब इस पर ऐसा वायर वाउंड कर दो पूरा, आराम से करने का, घबराने का नहीं, और हो सके उतना वायर को क्लोज रखने का, तो सारा फ्लक्स कैलकुलेट होगा एन फाई के थ्रू। हाँ यस, बन रहा है यार, बढ़िया बन रहा है, शक्ल जैसा तो नहीं बन रहा है, अच्छा ही बन रहा है ये। या एक गड़बड़ हो गई, टेक्स्ट बुक में यहाँ से दो एंड निकले वायर के, मेरे एक ही निकला है, तो तू देख लेना टेक्स्ट बुक में वायरिंग कैसे की है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर एक और छोटा सोलेनोइड लेना है, अब वो भी अच्छा बनना चाहिए। चल उसको अलग कलर से लेंगे, ये भैया इतना सोलेनोइड। हाँ चलो, वायर वाउंड करो इस पर भी, अच्छा ही बना यार, बिल्कुल अपनी शक्ल जैसा बनाया ना। चल ठीक है, अब इनका कॉमन एक्सिस ये रहा, कॉमन एक्सिस ये रहा, ठीक है। अब एक सोलेनोइड जो बड़ा है ना, उसको नाम दे देते हैं S2, और छोटे वाले का नाम रख देते हैं S1, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस है उसको बोल देते हैं R2, छोटे वाले का जो रेडियस है उसको बोल देते हैं R1, ठीक है। बड़े वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको बोल देते हैं N2, और छोटे वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको बोल देते हैं N1। और तो क्या बोले, सारा तो बोल दिया। चल तो ओपनिंग तो तू कर सकता है ना, एक दो धासु पॉइंट, ये टू वेरी लॉन्ग पता है नहीं यार, जगह के खा रहा है। हाँ यहाँ से ओपनिंग पॉइंट तो धासु ले सकता है क्या, इन फिगर टू सोलेनोइड्स, तू समझ गया मैं क्या बोलने जा रहा था, इन फिगर, सॉरी फॉर दिस बदतमीजी, और बहुत पढ़ा पढ़ा के ना थक जाते हैं, तो थोड़ा चलता ही रहे, हंसी मजाक। इन फिगर टू वेरी लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स आर सोन, एक पॉइंट तो इन्होंने लिख के दे दिया है ना, तो अपन भी वही करते हैं। चलो, इन फिगर टू वेरी लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स आर सोन, सोलेनोइड्स आर शोन, ठीक है। अब इनकी डिटेलिंग करते हैं। चलो डिटेलिंग क्या है कि भाई जो एक सोलेनोइड है S1, उसका रेडियस है R1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, यस। तो दो डिपार्टमेंट हो जाएंगे यहां से, फॉर सोलेनोइड S1, और यहां पे डिटेलिंग करेंगे अपन, फॉर सोलेनोइड S2, ठीक है। चल
रेडियस क्या है यहां पे? रेडियस, रुक गंदा दिख रहा है ना बोर्ड, रेडियस क्या है भैया? रेडियस है आर वन, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है एन वन। अच्छा एक और चीज है, ये क्या है? वीडियो पोज कर सोच, अगे कितना चैप्टर 4-5 में पढ़ा है। हाँ चल हो गया, पोज करके सोच लिया नाम इसका, वही है जो तू सोचा। ये भी नंबर ऑफ टर्न्स है बट पर यूनिट लेंथ है। हाँ इनको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टेक्नीशियन ये हैंडराइटिंग छोटा नहीं पड़ रहा है ना, वो दिख रहा है ना कंप्लीट। हाँ तो ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके तो यहां से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिलेशन मिल सकता है, एन वन इज इक्वल टू ईटा वन इंटू एल। अच्छा लेंथ दोनों सोलेनोइड का इक्वल लिया है अपन ने, एल एल, तो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ यार बातों बातों में मिल गया, मजा आ गया। चल अब दूसरे सोलेनोइड के लिए यही सारे ऑब्जर्वेशन लिखने। रेडियस क्या है इसका भैया? टू। नंबर ऑफ टर्न्स है टू, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन टू, विच इज कैपिटल एन टू बाई एल। सो फाइनली एन टू इज इक्वल टू ईटा टू एल। बढ़िया ऑब्जर्वेशन फिर से मिल गया। चलो कवर करो इसको। हो गया कवर। अब थियरी को 2 मिनट होल्ड पे रख, सोम बाबा कुछ अलग सिखाना चाहते तुझे, है ना? चला जा 2 मिनट का है, देख। जैसे यहां पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, एक अलग सिचुएशन में ले जाता हूं फिर वापस तुमको थियरी में लेके आता हूं। इट इज एग्जैक्टली रिलेवेंट टू द थियरी, डोंट वरी, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। हियर इज ऑल्सो सम मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सम मैग्नेटिक फील्ड, सम मैग्नेटिक फील्ड, सम मैग्नेटिक फील्ड, सम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यस, ओके। ये टोटल इतने एरिया में फैला हुआ है मान ले, और ये एरिया बनता है अपना जैसे 10 मीटर स्क्वायर, ओके। अब इसके अंदर एक छोटा सा प्लेट रख दूं ऐसे, ये वाला इतना सा प्लेट, ठीक है? तो चलो वो कैसे दिखेगा, तो छोटा सा प्लेट ये दिख रहा है। हाँ इस छोटे से प्लेट का जो एरिया है ना वो छोटा है मान ले, 2 मीटर स्क्वायर है मान ले। अब मेरा क्वेश्चन जेन्यून है जो तुझे वीडियो पोज करके आंसर सोचना है, फिर वापस वीडियो को सुनना है। ये जो छोटा सा लूप है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लेना है तो कौन सा एरिया लेंगे? सोच लिया? ये वाला। हाँ क्योंकि इसके सराउंडिंग फ्लक्स तो बहुत सारा है, सराउंडिंग फ्लक्स तो बहुत सारा है, लेकिन अपन जो लेते हैं फॉर्मूले में, अपन जो लेते हैं फॉर्मूले में फ्लक्स, वो क्या लेते हैं? फ्लक्स लिंक्ड, फ्लक्स एसोसिएटेड विद आवर लूप, मतलब अपनी जिस लूप पे अपना फोकस है उसके साथ कितना फ्लक्स टच हो रहा है उसको वही लेना है। अब ये लूप इतना सा है तो इसके अंदर तो इतना ही फ्लक्स आएगा, बाकी का सब बाहर से जा रहा है। ये बाहर से जाने वाले फ्लक्स का इससे क्या लेना देना? इसके अंदर जो भी ईएमएफ इंड्यूस होना है वो इसी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की वजह से होना है। ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इसको कुछ करेगा नहीं। हाँ ये है कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में फैला है तो बढ़िया बात है ना, वेरी गुड, बजाओ ताली। लेकिन अपने को जो फ्लक्स का फॉर्मूला लेना है, जैसे फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, हाँ इसमें ये जो एरिया लेना है ना वो ये लेना है, जितना फ्लक्स लिंक एसोसिएट हो रहा है उस एरिया को लेना है, समझा? हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, 5 टेस्ला 10 टेस्ला उससे मतलब नहीं है। अपने को तो ये खास ध्यान रखना है यहाँ पे स्मॉल ए लेना है इस सिचुएशन में, समझा कि नहीं समझा? हाँ तो ले इसका स्क्रीनशॉट, बहुत धांसू चीज है। चल हो गया। अब देख इसी के अंदर एक और चीज बताता हूं, अपन क्या कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मान ले ये 2 सोलेनोइड है, ये रहा बड़ा और ये रहा उसके अंदर एक छोटा सोलेनोइड, समझ? पूरा यहां तक है यार, इक्वल लेंथ है बस, वरना तो उसको भी फिर नुक्स निकालेगा ग्योरेस और इतना सा लेंथ रह गया, एरिया चेंज हो गया। देख अब ये जो बड़ा वाला सोलेनोइड है ना, मैं उसके अंदर यू करंट फ्लो करूं, बड़े वाले सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करूं, तो ऑब्वियसली सोलेनोइड के अंदर उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0ni, पता तो है? हाँ तो बड़े वाले सोलेनोइड में करंट फ्लो करूंगा तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, यूं दिख रहा है ना, समझेगा? हाँ
आ गया। अब मैं बोलूं फ्लक्स एसोसिएटेड विद छोटा वाला सोलेनोइड, तो जो छोटा वाला सोलेनोइड है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल कितना, तो तब तू लेगा बी ए, तब एरिया कौन सा लेगा, अपन किसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चाहते हैं, छोटे वाले के साथ ना, तो उतने ही एरिया में फ्लक्स घुसा है जो बाहर का। ये छोटे वाला तेरा सोलेनोइड, ये देख पहले रेड कलर से देख ले, हाँ ये जो छोटे वाला सोलेनोइड है इसके बाहर का जो फ्लक्स है इससे इसको क्या लेना देना, क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा, वही सिचुएशन है, क्या लेना देना, इसके अंदर तो यही फ्लक्स है, तो यहां पे जो एरिया लेंगे आप वो यही लोगे रेड वाला, है कि नहीं, तो फिर समझा ना। हाँ तो ये चीज याद रखना, आज की थियरी में बहुत काम आने वाली है। ओके चलो, नाउ वी आर डिस्कसिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है दूसरे के साथ फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, यही सीन देखना है ना। तो चल पहले एक काम करते हैं, एस टू में करंट लेते हैं और उसकी वजह से फ्लक्स एसोसिएट होगा एस वन के साथ, है ना। तो चलो यहां से दो सिचुएशन बनाएंगे, पहली सिचुएशन इधर करंट इन एस टू इज आई टू, ओके अच्छा एस टू का करंट आई टू है, तो एस टू मतलब सोलेनोइड में करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालेगा, मतलब सोलेनोइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, हाँ तो वो लिख ले। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सोलेनोइड इज म्यू जीरो एन आई, ये भी सेकेंड वाले का करंट भी सेकेंड वाले का, डन। अब फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट, इस एस टू में बड़े सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहे हो आप इधर से, तो अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, देख मैं ड्रॉ नहीं करूंगा ना चित्र गंदा हो जाएगा, हाँ देख ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अब समझा, हाँ हाँ दिख रहा है ना सर वाइट वाइट लाइन, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड फैल गया अंदर, तो इसके साथ भी तो फ्लक्स एसोसिएट होगा, कुछ जुड़ेगा इसके साथ भी, तो लिख दे, थोड़ा बैठ के करना पड़ेगा टेक्नीशियन, ध्यान रखिएगा। फ्लक्स लिंक्ड विथ एस वन क्या है, वो फ्लक्स लिंक्ड एन वन हाई वन, यही बोलेंगे उसके फ्लक्स को, ठीक है ओके। सो एज वी नो द फ्लक्स लिंक्ड विथ फाई वन इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड कॉइल, बस यही मामला जमाना था, जम गया, एक के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से दूसरे के साथ फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब इजी है दोस्त, देख ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओ, यहाँ पे क्या आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ अच्छा ये एन वन ये रहा, दिख रहा है ना कैमरे में एन वन एल, अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखे बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो पे अब डिस्कस करूं, जाने दे। अच्छा यहाँ पे एक चीज पे गौर करना है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, ये फ्लक्स तो पहले का है छोटे सोलेनोइड का, लेकिन उसको मैग्नेटिक फील्ड दे कौन रहा है, ये दूजा वाला सोलेनोइड, यही मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा, तो यहाँ पे हो गया बी टू, एरिया होगा उसका खुद का, क्लियर है। बस ये बी टू ए वन में कंफ्यूज नहीं होना है, अरे भाई समझ, यहाँ पे जैसे कॉइल है, ये दूजा कॉइल इधर है, ये तेरा टू ये तेरा वन, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है ऐसे, इसको टच हो रहा है, तो इसके पास जो आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड तो टू में से आ रहा है ना, बी टू वाला इधर आके टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे बी टू ही बनेगा ना, समझ रहा है कि नहीं, हाँ चल दोस्त। अब आगे इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो एन टू आई टू, एरिया क्या ले सकते हैं पाई आर वन स्क्वायर एम आई टू, आई टू आई टू कैंसिल, चल एम का मस्त फॉर्मूला मिल गया, म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर और एल, अच्छा इसको पाई आर वन स्क्वायर न लिखू और एरिया लिख दू तो पता है ना, अरे ठीक है ले तू पाई आर वन स्क्वायर लिख यार, बस खुश, चल हो गया ये, इसको कवर अप करो, हाँ इक्वेशन वन ये आ गया भाई। दो वेरी लॉन्ग सोलेनोइड जब को एक्सियल रखे जाते हैं तो बड़े सोलेनोइड में करंट फ्लो करने से छोटे सोलेनोइड के अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दैट इज दिस, क्लियर। इसको थोड़ा और इनोवेट कर सकते हो आप अपने तरीके से, ये एन हटाओ यहां से, तो देखो मैं अपना डालता हूं एन वन, क्या लेना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पाई आर वन स्क्वायर एल, एल एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो एन वन एन टू अपॉन एल, अच्छा इस एरिया को अब ए ही लिख दूं,
पता है ना कौन सा एरिया लेना है, ठीक है। तो एक ये भी बनता है, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, ये ज़्यादा इजी लगता है, मुझे ये ज़्यादा याद रहता है। तू भी याद रख लेना, म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। यस, अब इसका एक रिवर्स सीन देखते हैं अपन। हाँ बस खत्म हो रहा है ये, इसका रिवर्स सीन क्या बनता है। मान ले उल्टा सोचे तो इसमें क्या किया था, एस टू में करंट दौड़ा तो एस टू ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो मैग्नेटिक फील्ड एस वन को जाके टच हुआ, ये सीन था। अब रिवर्स, इस बार करंट एस वन में ले और एस वन अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, वो एस टू को टच करेगा, है ना। हाँ हाँ, तो चल थोड़ा रिवर्स सीन लेते हैं, यहीं से कॉपी करेंगे पूरा। देख, करंट इन एस वन इज आई वन, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड इज म्यू जीरो एन वन आई वन, हो गया। फिर फ्लक्स लिंक्ड विथ एस टू, समझ में आ रहा है ना दोस्त। हाँ, तो कमेंट पकड़ के ठोक दे कि हाँ सर आ गया, एन टू फाई टू। चलो, फ्लक्स और करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन टू फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। अब फिर बैठना पड़ेगा भैया चेयर में, अब यहाँ पे ध्यान रखना है चालाकी, सुन शांति से, कोई जल्दी नहीं है अपने को, रिलैक्स हो जाए एकदम। हाँ, लंबी सांस ले, चला जा। ए एन टू यहाँ से उठा, एन टू एल उठा लिया, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दे तो एम आई वन, ओके। अब ये फ्लक्स क्या लेना है, तो फ्लक्स लेना है बी ए। अब बोल, इस बार फंसेगा तो पोज करके सोच ले कि मैग्नेटिक फील्ड तो पता है कि पहले वाले सोलेनोइड में करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले वाला सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, फेंकेगा, वही तो सब जगह जाके टच करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाले में से आ रहा है, मान लिया। एरिया का क्या करूं इस बार, सोच वीडियो पोज करके, चल समझाता हूं। देख, ये रहा जैसे तेरा बड़ा सोलेनोइड, ठीक है, उसके अंदर ये छोटा सोलेनोइड। हाँ, अब छोटा सोलेनोइड है, सोलेनोइड अपना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर रखता है ना, बाहर तो जीरो होता है, यही थियरी पढ़ी है ना चैप्टर 4-5 में। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता अंदर ही है, तो जो छोटा वाला सोलेनोइड है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऐसे अंदर ही, बाहर नहीं होगा। तो ये जो बाहर वाला सोलेनोइड है वो दिखे चाहे कितना ही बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ना है उस। अब तो ये छोटे वाले सोलेनोइड को यहां से भूल जा थोड़ी देर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनोइड को भूल जा। अब बोल क्या लगता है कि बड़ा वाला सोलेनोइड जो ना एस टू, वो चाहे कितना ही बड़ा हो, फ्लक्स तो उसके इतने ही पोर्शन को टच कर रहा है। हाँ हाँ, तो इतना ही एरिया अपने को लेना है जितने में फ्लक्स टच हो रहा है, पूरा एरिया नहीं लेना है। ए टू मत लिख देना इधर, यस ए वन आएगा, यहां पे देख क्या आया था ए वन, तो इस बार भी ए वन ही आ रहा है। वो अरेंजमेंट दोनों सोलेनोइड का, जरूरी नहीं कि हर बार ए वन ही आए, इस बार जो अरेंजमेंट है वो ए वन ला रहा है। पकड़ में आया पूरा मामला, कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड पैदा कर रहा है वो इतना ही कर रहा है, इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड दे ही नहीं रहे वो। तो बड़े वाला सोलेनोइड कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन फ्लक्स तो यहीं तक एसोसिएट हो रहा है, तो इतना ही एरिया हमको लेना होता है, वेरी सिंपल। तो नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख, मैं और कुछ ट्रिक करूंगा, मुझे लगता है इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलो, अब एन टू एल, ये बी वन क्या लिखेंगे, म्यू जीरो एन वन आई वन, एरिया क्या है पाई आर वन स्क्वायर एम आई वन, आई वन आई वन कैंसिल, देख एम का फिर से फॉर्मूला आ गया, म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल, फिर से वही फॉर्मूला आया साहब, ये क्या है जंजाल, रुक सब बताऊंगा, भाग के नहीं जाऊंगा मैं कहीं वीडियो छोड़ के। सेम फॉर्मूला अगेन, क्या मतलब है इसका, इसका इसको रेसिप्रोसिटी थियरम बोलते हैं। हाँ, कि एक की वजह से दूसरे के साथ फ्लक्स जुड़े या दूसरे की वजह से पहले के साथ जुड़े, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का आंसर सेम आता है, घबराना नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तुझे पूछ लिया कि पहले में करंट और दूसरे में फ्लक्स है, ढूंढो म्यूचुअल इंडक्टेंस, और गलती से तूने दूसरे का करंट और पहले का फ्लक्स ले लिया तो आंसर तेरा सेम आना है। इसको रेसिप्रोसिटी थियरम बोलते हैं, ले लिख देता हूं, स्पेलिंग तू खुद देख लेना। हाँ, समझा कि नहीं, ठीक है। अब इसको भी तू ऐसे एनालाइज कर सकता है, तो फाइनली मुझे तो ये जल्दी याद रहेगा, म्यू जीरो एन वन एन टू एरिया अपॉन लेंथ,
इसमें भी वही बनेगा, है ना। चल अब एक धांसू सा स्क्रीनशॉट तो बनता है, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा कि हाँ सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू वेरी लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड इज फैंटास्टिक थियरी, पूरा निचोड़ यहां पे डाल दिया, है ना। अब देख, अपन ने आज सबसे पहले स्टार्ट किया क्या था, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में फिर दो टाइप देखे थे कि दो कॉइल वाला सिस्टम म्यूचुअल और एक कॉइल वाला सेल्फ। तो म्यूचुअल पे दो तीन क्वेश्चंस दिए ना, अब एक और आखिरी क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस पे, कि जब एक ही कॉइल है तो ये सारा फिजिक्स क्या हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि तूने म्यूचुअल इंडक्टेंस पे जो दो तीन क्वेश्चंस देखे ना, वो धीरे धांसू गए। तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा फास्ट लेंगे हम, है ना, वही कि वही वापस पढ़ना है, तो रिपीटेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बिगड़ना, ठीक है। तो इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले, तब तक मैं भी बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। चल स्क्रीनशॉट चला जा। सेल्फ इंडक्टेंस इजीली जाना है। अब मैं पॉइंट्स ज़्यादा नहीं लिखूंगा, पॉइंट्स लिख के वीडियो लंबा हो जाएगा 2 घंटे का। बात हुई ना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो थियरीज पड़ी हैं उन्हीं को रिपीट करना है, लेकिन एक कॉइल के लिए सिर्फ, है ना। तो चला जा, सबसे पहला पॉइंट तो यही बन रहा है अपना कि इन फिगर अ कॉइल इज शोन, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है आई, नंबर ऑफ टर्न्स है एन, तो एसोसिएटेड फ्लक्स हो जाएगा N5 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। बस रे, हाँ तो फिर चल अब यहां से लेते हैं, एन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt एन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द di/dt। पिछली बार यहां पे m लगा दिया था, इस बार नहीं लगाया ना, चल लगा देते हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, m लगा दो यहां पे, m नहीं इस बार l आएगा, l क्यों, इस बार सेल्फ इंडक्टेंस है, वो म्यूचुअल था तो m, ये सेल्फ है तो l। हाँ यहां पर भी एक l आएगा भैया, ठीक है दोस्त। अब इसकी जगह अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ माइनस EMF एल di/dt माइनस को प्रेम से यहां पे जाने दो, तो हो गए 2 फॉर्मूले पिछली बार की तरह, ये एक और ये दूजा। अब अपनी बात हुई थी जैसे ये EMF आता है सीधा इसका डिपेंडेंसी बता दो, दो चीजों पे, कौन सी, एक तो इस पे, हाँ, और एक इस पे, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। वो तुझे यहां पे लिखना था एक पॉइंट, क्या, कि हियर एल रिप्रेजेंट सेल्फ इंडक्टेंस, या ठीक है लिख देना, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसमें कॉइल वन कॉइल टू कुछ नहीं है, खुद ही खुद का फ्लक्स एसोसिएट कर रहा है, खुद ही खुद के फ्लक्स को चेंज कर रहा है और खुद ही खुद EMF इंड्यूस कर रहा है ना, ठीक है। अब यहां से आगे क्या था, 2 डेफिनेशन थी रे, भूल बढ़ा जाता है, तो 2 डेफिनेशन थी, डेफिनेशन 1 देन डेफिनेशन 2। एक डेफिनेशन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, दूसरा डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलो यहां पे L, ये करंट को नीचे डाल दो, यस, बनाओ डेफिनेशन, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, वाह 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 वाह, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, वाह 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 उस्ताद वाह, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू कॉइल इज कॉल्ड, अब दूसरा वाला यहां से बनाओ, L इज इक्वल टू E अपॉन di/dt बनाया था ना, तो फिर क्या, EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यस, अपनी बात हुई थी ना, पूरे पॉइंट नहीं लिखने, चल आड़ वाला तू लिख दाव कर दिया साहब ने। अब इसके ये जो L आ गया ना, दोनों डेफिनेशन हो गई, अब इसका यूनिट फिर ये किन चीजों पे डिपेंड करता है वो भी, तो चलो इसका यूनिट वही वास, बीच में इनवर्स या तो हेनरी,
MLT 1 2 माइनस टू माइनस टू MLTA ओके डिपेंड, वो छह चीजों पे डिपेंड करता था, ये इतनी सारी नहीं करेगा, क्यों? उसमें तो था दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस, इधर कहाँ डिस्टेंस है, इधर तो एक ही कॉइल है ना, तो डिस्टेंस पे नहीं करेगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, शेप पे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। हाँ तुझे लग रहा होगा सर भगा रहे, तो क्या करो यार, इतना इजी इजी फिर दो घंटे तक इसको पढ़ाता रहूं क्या? चल ये तो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके चल लास्ट क्वेश्चन, अब हो गया बहुत लंबा वीडियो, अब इसको खत्म करते हैं, स्पीड ज्यादा लग रहा है ना, बोलू यार समझ ना, बड़ा बच्चा है, अब फिर सुला दूं क्या, इतना धीमे धीमे पढ़ा के नींद दे दूं सबको, सोने का बोल दूं। कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड, एक ही सोलेनोइड है, इसमें एरिया वेरिया इतना वो पिछली बार जितना डिस्कशन नहीं है, ये एक ही सोलेनोइड है, ये खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा ये खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और खुद ही खुद पूरे अपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड हो जाएगा। हाँ तो इस बार एरिया वेरिया का इतना झंझट नहीं है रे, डायरेक्ट देख टोटल एसोसिएटेड फ्लक्स ये रहा है कि नहीं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग एन एल आई, हो गया मामला खत्म। अब एन तो एन है, अच्छा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले गेस करूं, देख म्यूचुअल इंडक्टेंस में लास्ट में ये फॉर्मूला मैंने बोला था, पकड़ के रखना आप, एन वन एन टू एरिया अपॉन लेंथ बोला था, उस बार दो कॉइल थे, दो सोलेनोइड थे, तो एक का नंबर ऑफ टर्न्स एन वन, दूसरे का एन टू, इस बार एक ही है, खुद ही खुद है, तो मेरा एक गैस है कि इस बार का जो आंसर है ना वो एन इंटू एन एन स्क्वायर आएगा। हाँ हाँ तो पहले का काम भी पहला ही करेगा, दूसरे का काम भी पहला ही करेगा, इसलिए चल देखते गैस राइट होता है कि नहीं, ये अपना गैस है, ओके चल। अब फ्लक्स, फ्लक्स मतलब बी ए, अच्छा ठीक है सर, बी क्या लेना है, अरे म्यू जीरो एन आई, ठीक है इसका क्या करें, तो करते हैं ना एन एल, ये तो पता है एन एल होता है, हाँ म्यू जीरो एन आई ए एल आई, आई आई कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, आ गया आंसर, मेरा तो नहीं है, अरे आएगा रुक अपना टाइम आएगा, म्यू जीरो इसकी जगह लिख दे एन बाई एल एरिया इंटू लेंथ, म्यू जीरो एन स्क्वायर एल स्क्वायर एरिया लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, देख अपना जो गैस किया था वो आंसर आ चुका है भैया इंडक्टेंस। अब मैं पर्सनली तुझे बोल रहा हूँ, दिल पे ले ले ये फॉर्मूला, याद रखना इंडक्टेंस का, तेरी बोर्ड के एग्जाम्स गुजकेट जेडब्ल्यू नीट टाइप्स एग्जाम्स में सोलेनोइड सिंगल सोलेनोइड के बहुत से सम्स आते हैं, उस वक्त इतना सारा कैलकुलेशन करके लाएगा फॉर्मूला, सीधा याद रख ले काम हो गया, डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। इसमें एक और चीज़ है, इसके बीच में मीडियम डाल दो तो म्यू जीरो की जगह म्यू आ जाएगा, इतना तो पता है ना बस, ठीक है दोस्त स्क्रीनशॉट ले ले पहले तो, हो गया ना स्क्रीनशॉट, आया मजा सही में, तो कमेंट बनता है, और वो भूलना नहीं है गूगल प्ले स्टोर पे आराध्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया, रह जाएगा पीछे, बहुत बच्चों ने कर लिया डाउनलोड, तू भी कर ले आराध्य क्लासेस ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर ओपिनियंस अबाउट दिस लेक्चर, बाय।